सब्सक्राइब करो आ चैनल ने। क्या खाएगा बोल भैया? सुनना जरा, क्या क्या है? सब कुछ। सब कुछ है? अच्छा, तो दो फुल प्लेट जीवनश्री, दो बीमा गोल्ड और बाकी सारी जन रक्षा 30,000 की। और हाँ, ऊपर से मनी बैग मार के लाना। क्या? अरे हाँ यार, मैं क्या बक रहा हूँ। आपके दिमाग में तो यही सब चलता रहता है। भैया सुनो, एक खोया काजू, एक अभिलाषा स्पेशल, एक पुलाव, और हाँ सबके लिए बटर रोटी या बटर पराठा। क्या अमोनी, क्या बोल रही थी? क्या चलेगा? सब कुछ चलेगा। ओके भाई, जो मोनी को चलेगा वही हमें चलेगा। ठीक है, देखा, इसे प्यार कहते हैं। भाभी वैसे प्यार तो हमारा भी कुछ कम नहीं, लेकिन वो हड्डी। हड्डी? कौन सी हड्डी? जो कबाब में होती है ना, वो हड्डी। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है भाई। एक बार मेरा एंडिंग खत्म हो जाने दो, बाद में देखो मैं क्या क्या गुल खिलाता हूँ। क्या क्या बोल रहा है ये? कबाब, हड्डी, एंडिंग, कुछ समझ में नहीं आ रही। अब ये बता कि ये एंडिंग क्या है? तुझे तो मालूम ही है कि मैं अभी करता हूँ। हाँ, अच्छा, ये एंडिंग है ना, LIC की एक ऐसी तोप है जिसके सामने हम सबको उल्टे मुँह खड़ा कर दिया जाता है और फिर कहते हैं कि भागो, 12 सी ढूंढने को भागो वरना फोड़ता हूँ। और फिर हम सब भागते हैं भरे बाजार दुम दमा कर 11 सी ढूंढने को। फिर तो लोग तुम्हें देखकर भागते होंगे। तुम्हें कहाँ से मालूम पड़ा? इतनी जल्दी मार्केट में भी ये बात आ गई? नहीं, बहुत बहुत सिंपल बात है। देखो, अगर जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बोलने जाओगे तो भला कौन खड़ा रहने देगा? और हाँ, इससे मुझे एक बात याद आ गई, कल रात मैंने तुझे अपने सपने में देखा। मैं तेरे सपने में? हमको देख कर डरता क्यों है रे कटोर? दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, इस बूढ़े फकीर का सर्वाइवल सुधार दे बाबा। 5 लाख की नहीं तो 5,000 की ले ले, सॉरी कम से कम 30,000 की है, पर दे 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 दे। 3 जिंदगी का सवाल है, मेरा एंडिंग सुधार ले माय बाप, भगवान तेरा भला करे। अरे कमाल है, कमाल है यार, छोड़ता ही नहीं, जबरदस्ती है क्या? कमाग रहा है कि दादागिरी कर रहा है? नहीं देता, जा। नहीं देता तो मैं मर जाऊंगा। हाँ तो मरो, तुम लोगों को जिंदा रखने के लिए हमें पॉलिसी लेने की क्या? ए भगवान ए अल्लाह, तेरी दुनिया में भलाई नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। एंडिंग मेरा सुधार ले, भगवान तेरा भला करेगा। नहीं, मैं पॉलिसी नहीं लूंगा। नहीं लेगा? ए भगवान, ए अल्लाह, ए खुदा, ए गंगा मैया, मैं आ रहा हूँ। साले कांति, तुम उसको समझता क्या है? अबे छोड़, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? देखिए भाभी, आया था तो कुछ काम लेके। कांति भाई, संकोच मत करो, बोलो। थैंक यू भाभी। सुना है सीतांशु भाई जिस फैक्ट्री में चीफ इंजीनियर है, वहाँ पे कोई नया यूनिट शुरू होने वाला। हाँ, होने वाला है। तो क्या? तो मेरे पास डिग्री है, अनुभव है, और कोई भी काम अच्छी तरह से करने की लगन भी तो है। वो तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से सीतांशु आए तब ये बात करना, काम हो जाएगा। चलो चलो भैया, खाने का मजा आ जाए। जो भी वो बात है, बहुत अच्छा अभिलाषा है यार। बहुत मजा आया। वाह, मजा आया। बल्ले बल्ले, वाह। अब एक काम करते हैं, हम लोग फ्रेश होके आते हैं। ठीक है भाई। वाह, फ्रेश। आप क्यों पीछे पीछे आ गए? क्यों? सीमा जी को मिलके आते। कौन सीमा जी? सीमा गोयल। हाँ, भाभी डेट लास्ट डेट पुणे की नहीं। हाँ, मैं अभी गया और अभी आया। हाँ जाओ ना, फिर कब जाओगे, एंडिंग खत्म होने के बाद? नहीं, भाभी अभी गया और अभी आया, आप चिंता मत करो, डेट पुणे की है ना, लास्ट डेट। मैं कमीन सर। अभी कमी गए हो तो कमीना हो जाओ ना। ये लो कमिया, अब सीटों। नहीं, स्टैंड अप। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी डेट कौन सी? डेट, लास्ट डेट
कौन सी डेट? लास्ट डेट। देवर जी ये बात उनसे नहीं पूछनी थी। तो अरे सीमा जी को पूछनी है, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। अब भाभी मैं अब भी गया और अब भी आ। लेकिन भाभी वो गुलाब रेडी रेकनर में रखा है, वो आए तो बिठाना। हाँ। गुलाब ठिकाना? कौन से गुलाब की बात कर रहे हैं? आपके मतलब की बात नहीं। नहीं भाई, कौन सी डेट की बात कर रहे थे? वो भी आपके मतलब की बात नहीं है। आपको कैसे पता कि मेरे मतलब की बात नहीं है? ये तो इंसान को देखकर ही पता चल जाता है। हाँ, अब सीटने को नहीं कहोगे? सीटो आराम से सीटो या खड़े खड़े? आपको जैसा ठीक लगे वैसे सीटो। अच्छा। इसी हालत में भी मुझे चढ़ा नहीं जाता, फिर भी मैं 4 मंजिल चढ़ गया। बाद में याद आया कि मुझे तो टूर्नामेंट में जाना था, वहां से वापस आया। अच्छा, वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पे याद आ गया, वरना वरना क्या 8वें माले की टेरेस पे चक्कर लगाते होते। आपको कैसे पता कि मैं 8वें मंजिले पर होता? सिंपल, मुझे मालूम है बाजू की बिल्डिंग है 8 माले है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू। पानी ड्रिंक होगे? पानी? हाँ पानी ड्रिंक है ना। लाती। केलाल के यहाँ काम करती थी? नहीं, एस लाल के वहाँ। एस लाल कौन है? सीतांशु लाल, मेरे पति। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं? नहीं। मुझे? नहीं। मुझे नहीं पहचाना? नहीं भाई नहीं। तो मैंने आपको भी कहा पहचाना? आपको किसका काम है, मेरे पति का या देवर का? मुझे किसका काम है वो ही तो मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? वाह, वास्तव में ये सवाल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो मेरा नाम है शबनम, लेकिन प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं शब्बो। आपने फिर से कपड़े बदल लिए बहन जी? बहन जी क्यों, अभी आपने जाति भी बदल डाली? भाई मानना पड़ेगा आपको। छोड़ो छोड़ो, जो भी हो, लेकिन आप बात क्या कर रहे थे? मैं तो ये कह रहा था कि मेरा नाम है शबनम और प्यार से लोग मुझे शब्बो कह के बुलाते हैं। शब्बो? क्या पसंद नहीं आया? नहीं आया, पसंद क्यों नहीं आया, लेकिन आपको नहीं लगता है नाम थोड़ा लेडीज किस्म का है? अब पूरे के पूरे लेडीज में से जेंट्स हो गया तो मैं कुछ बोला? तो भाई थोड़ा मुझे हम भी चख ले। वैसे तो मेरा नाम है अविनाश, लेकिन कटी पतंग देखने के बाद शबनम नाम मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरा नाम ही रख दिया शबनम। अरे वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है ना, व्हाट देयर इन अ नेम। अब लेडीज ओके सेट पीएल की बात करते, मुझे तो बहुत किसका काम किसका था आपको? उसका। उसका यानी किसका? 3 साल पहले मुझे मिला था, उसका नाम तो क्या, उसका चेहरा तक मालूम नहीं। पूछ पूछ के मेरी जबान की चटनी हो गई, तब जाके उसका घर का पता मालूम पड़ा। ए भाई मंजिल तो क्या, नाम भी याद नहीं। आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम यू है कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? 3 साल पहले मैं और मयूरी मेरे घर में थे। मैडम आप जरा अपना हाथ देंगे, मैं जरा प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ। हाँ मैडम, आप उसी लेडीज के रोल में इधर थी ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी मैं अच्छी तरह समझ लूंगा, बस आप आगे बढ़िए ना। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन
आपने ये बताया नहीं कि ये मयूरी कौन है? मैंने अभी तक नहीं बताया, तो कहाँ तक बताया? बस यहाँ तक कि आप और मयूरी एक दूसरे के साथ थे। वो भी टच करके? हाँ टच करके साथ थे, लेकिन ये मयूरी है कौन? मैं और मयूरी एक्चुअली मुझे बताने की शर्म आती है। शर्माने का नहीं, शर्माने का नहीं। वैसे आप तो अच्छे अच्छों को शर्म में डाल दो वैसे हो। बस अब ये बताइए कि ये मयूरी है कौन? मयूरी मेरी गर्लफ्रेंड। आइला इतने शर्माते क्यों हो? तो ये गर्ल को भी गर्लफ्रेंड है? आपने कुछ कहा? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि मयूरी आपकी गर्लफ्रेंड है? है नहीं, थी। थी? तो ये है मैसे थी कैसे हो गई? वही तो बता रहा हूँ मैं और मयूरी एक दिन सोफे पर बैठे थे, एक दूसरे को टच करके। आपको कैसे पता? आप ही ने तो बताया। मैंने ये भी बता दिया कब? अरे अभी बताया आपने। मुझे याद क्यों नहीं रहता? होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बस फिर क्या हुआ बाद में? मैं और मयूरी सोफे पर आगे बैठे थे, जमें रणछोड़ भी आए और आके तुरंत ही मुझे चिपक ही गए। रणछोड़ ने ऐसा किया? हाँ, बाद में कहा सपनम भाई आपको एक पॉलिसी तो लेनी ही पड़ेगी। ओ बाद में मयूरी को मैंने पूछा, मयूरी डाली पॉलिसी ले। आपने मयूरी को डार्लिंग का? क्यों, वो ऐसा नहीं लगता? नहीं लगते हो। शादी होने वाली हो तो डार्लिंग तो कहूंगा ही ना। हाय ला कितने शर्माते हो आप। बाद में क्या हुआ? बाद में बात ही कुछ ऐसी हुई कि रणछोड़ भाई ने मुझे पॉलिसी दे ही दी, मनी बैग। तो इसमें क्या गलत किया उसने? गलत रणछोड़ भाई ने नहीं, गलत मयूरी ने किया है। मयूरी ने क्या किया? शादी। पर वो तो आपको करनी थी ना। शादी मुझसे नहीं, गंगू गोर्धन के साथ की। गंगू गोर्धन? अब ये कौन है? वो डिफॉल्टर बैंक के डिफॉल्टर डायरेक्टर गोर्धन लाल घोटाले वाले का नालायक बेटा। ने बैंक के साथ साथ आपका प्यार का भी डिफॉल्ट कर डाला। सचमुच कहो मयूरी की तो इच्छा ही नहीं थी, लेकिन उसका नालायक बाप 2 करोड़ देखकर गिल गिला हो गया। होता है, हर कोई 2 करोड़ देख के तो कोई भी गिला गिला हो जाता है। क्या गिला हो जाए, लोगों में ईमान इमोशन जैसी कोई चीज है कि नहीं? उसी चक्कर में जिस तरह मेरा नाम जोकर में दिल टूट जाता है ना, उसी तरह मेरा भी दिल टूट गया। वेरी बैड, बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। उससे बुरा तो अब हुआ है। अब क्या हुआ? मेरी शादी हो गई मोहिनी के साथ। वो बुरा हुआ? वो बुरा नहीं, छोड़ भाई ने पॉलिसी का दस्तावेज जैसे ही उसके हाथ में दिया वैसे ही बम फटा। यूं पॉलिसी में से अचानक कैसे बम फटा? एक मिनट, यार तुमने तो मुझे फिर कंफ्यूजन में डाल दिया। पॉलिसी किसके घर आई? मेरे घर। दस्तावेज मेरे पते का होगा तो मेरे ही घर आएगी ना, गंगू गोर्धन के पास थोड़ी जाएगी। अब मेरे घर कौन थी? मेरी वाली। तो मेरी वाली होगी ना। हाँ मगर आपके वाली तो सही, लेकिन पहले वाली या दूसरे वाली? अरे यार तूने तो मुझे फिर कंफ्यूजन में डाल दिया। नहीं बात सुन, पहली वाली जो थी वो गंगू गोर्धन की होगी, अभी बच्ची कौन? मेरी वाली। तो मेरी वाली कौन? मोहिनी। अब क्लियर? इससे ज्यादा डिटेल चाहिए क्या? नहीं अभी तक इतनी डिटेल काफी है, पर आगे क्या हुआ? जब पॉलिसी का दस्तावेज उसके हाथ में आया, उसके यानी मोहिनी के हाथ में बराबर? हाँ वही, जब पॉलिसी में वारसदार के तौर पर उसने अपनी जगह मयूरी का नाम देखा तो वो फड़की। भयानक सी आवाज कहाँ से आई? यहाँ से आई। मैं पूछती हूँ मयूरी है कौन? मयूरी कौन? मयूरी सबनम भैया भाग चलो, इसी में ही भलाई है आपकी। जाते कहाँ हो रे राजा? हाँ आओ आओ,
बहुत ही आराना लगता है। हाँ आप बोलो, ये मयूरी कौन है? कौन है ये मयूरी? मयूरी कौन? मयूरी, मैं मयूरी का माँ तक नहीं जानता, उसका नाम तक नहीं जानता। अच्छा तो ये क्या है? हाँ इसमें सौतन का नाम आया कहाँ से? मुझे क्या पता, गलत छपा होगा। गलत छपा नहीं है, तूने धंधे गलत किए हैं। उल्लू समझ रखा है क्या? हाँ इसमें ये चुड़ैल है कौन? देखो चुड़ैल नहीं, देखो डार्लिंग, मुझे क्या पता, मुझे मयूरी के नाम तक नहीं मालूम, मुझे क्या पता। अच्छा तो सचमुच तुम्हें कुछ भी नहीं पता? हाँ तो ये ले। साहब मैं आप कुछ कीजिए, मेरी जिंदगी अब कटी पतंग होने को है। मेरा सब कुछ तबाह हो जाए उसके पहले नॉमिनी चेंज करवा दीजिए। इस तरह नॉमिनी चेंज नहीं हो सकते। पर क्यों नहीं हो सकता? एक पत्नी से दूसरी पत्नी का नाम चेंज नहीं हो सकता। लेकिन वो मेरी पत्नी थी, कहा इसकी इजाजत तो चाहिए ना। लेकिन वो कहाँ से लाऊं, वो तो ससुराल चली गई। तो आप भी वहाँ जाइए। आपने गंगू गोर्धन को देखा है? नहीं। उसका पति वो डिफॉल्टर बैंक के डिफॉल्टर डायरेक्टर गोर्धन घोटाले वाले का नालायक बेटा। वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपने बेलन देखा है? हाँ। मैंने तो खाया है, आपको खाने का है? अरे पत्ती दिखानी थी ना। दिखाई, 100 की नोट गिरा दी टेबल के नीचे जानबूझकर। 100 की नोट? हाँ। फिर उसने करके वो दुष्ट ने क्या किया मालूम है? क्या किया? वो नीचे झुका, 100 की नोट उठाई और बोला, ये लो आपकी 100 की नोट गिर गई है, थमा दी मेरे हाथ में। करप्शन की भाषा ही नहीं समझते साले। फिर तुम्हारी बहन कैसी है? चिट्ठी भेजनी थी। नहीं नहीं उसे मिलना था। नामुमकिन। क्यों? लेकिन उससे मिलना जरूरी है। जब मिलना चाहिए था तब तो मिले नहीं। लेकिन मैं अभी क्या करूँ? बहुत रोई थी अपनी शादी पे। रोना तो मुझे भी आ रहा है अभी तक, लेकिन मैं क्या करूँ? अरे शबनम जी रोइए मत, रोइए मत, सब देख रहे हैं। रोने तो मुझे प्यारा है।